खड़ी नहीं, बल्कि इस देश में बनाई गई लेटी हुई इमारत। किसी भी प्रकार के नए नए प्रयोग करने में चीन हमेशा आगे रहता है। इसके सभी अनोखे प्रयोग की दुनिया भर में तारीफें होती हैं। इन दिनों चीन एक बार फिर अपने नए प्रयोग के चलते सुर्खियों में आ गया है। चीन के इंजीनियर ने अपनी कला का एक और शानदार नमूना पेश किया है, जिसे देखकर दुनिया हैरत में है। जानकारी के मुताबिक चीन ने इस बार एक ऐसी बहुमंजिला इमारत बनाई है, जिसकी तस्वीर देखकर आप भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन ने इस बार जो बिल्डिंग बनाई है वो लेटी हुई सी लगती है। जी हाँ, इस गगनचुंबी इमारत को 4 बिल्डिंगों के ऊपर बनाया गया है। उन्होंने अपने इस नए प्रोजेक्ट का नाम चोंगकिंग रखा है। आपको बता दें, वैसे आम तौर पर कोई भी गगनचुंबी इमारत वर्टिकल बनाई जाती है, लेकिन इस बार उन्होंने जो इमारत बनाई है वो तो अपने आप में एक अजूबा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हॉरिजॉन्टल रूप में बनी है। जानकारी के मुताबिक यह गगनचुंबी इमारत 250 मीटर लंबी है। इतना ही नहीं, बल्कि इस अनोखी इमारत की ये भी खासियत है कि इसमें 1400 रिहायशी अपार्टमेंट हैं और साथ ही एक लग्जरी होटल और 1.60 लाख वर्ग मीटर का बड़ा ऑफिस स्पेस भी है। लेकिन अब तक यह पूरी तरह से बना नहीं है। चीन ने इस इमारत की डिजाइन चीन की पारंपरिक नौका की तरह रखा गया है। आपको बता दें, इस खास इमारत के ऊपर से यांगजी और जियालिंग नदियों के संगम को भी देखा जा सकता है और इस इमारत को क्रिस्टल नाम दिया गया है।